हेलो व्यूअर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं न्यू अपकमिंग मूवी जो कि दोस्तों साउथ इंडियन की मोस्टवांटेड मूवी टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हम आज हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह न्यू अपकमिंग मूवी 2023 की मूवी बनकर आ रही है। तो दोस्तों यह फिल्म को रिलीज यानी आपको बतला दें 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया जाएगा जो कि तेलुगु भाषा के साथ दोस्तों इस फिल्म को रिलीज़ की गई है। वहीं दोस्तों यह फिल्म इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज होते ही आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यह फिल्म काफ़ी साउथ इंडियन की हर एक मूवी से हटकर ये ज़बरदस्त मूवी बनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टर वामसी की डायरेक्टर में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। तो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव एक आगामी तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो दोस्तों वामसी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है फिल्म में अनुपम खेर, नूपुर सेनन, रेणु देसाई, जिसुसेन गुप्ता और गायत्री भद्राज और मुरली शर्मा के साथ रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। 1970 के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है जो दोस्तों एस्टुअर्टपुरम में आतंक के दायरे पर हावी है, लेकिन दोस्तों साहसी और डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी है, जहां दोस्तों पुलिस को चकमा देने के उसके सरल तरीके स्थानीय दिवंगत दंती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर के रोमांचक और भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों रवि तेजा फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव के रूप में दिखाई देंगे और वहीं दोस्तों अभिनेत्री नूपुर अनुपम खेर अभिनेता आईवी अधिकारी राघव राजेंद्र राजपूत के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों सारा के रूप में नूपुर सेनन और हेमलता लवन के रूप में रेणु देसाई अपना रोल निभाई है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2022 को तेलंगाना के शमशाबाद के पास 5 एकड़ की जगह पर शुरू की गई है। फिल्मांकन हैदराबाद में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन दृश्य में घायल हो गए और दोस्तों चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की थी। नूपुर सेनन और अनुपम खेर 2022 में फिल्मांकन में शामिल हुए और फिल्म टीम ने जुलाई 2023 को शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, लेकिन दोस्तों पहला एकल शीर्षक एकदम जो दोस्तों 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक बिद्दु 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों बात की जाए फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह मूवी काफ़ी जबरदस्त बनी है, जो दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है और यह दोस्तों आपके सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली मूवी जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 में बनकर आ रही है। तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म में रवि तेजा जो कि है जो दोस्तों इनका अभिनय काफ़ी बेहतर बनी है, जो दोस्तों इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी बात की जाए तो दोस्तों जिन्होंने पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वह मास और महाराजा उपनाम से लोकप्रिय है। सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेता में से एक तेजा ने 3 राज्य नदी पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है, लेकिन दोस्तों उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा शीर्षक 100 और मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था।
तेजा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर्तव्यम 1990 में एक अज्ञात भूमिका के साथ की और फिर अल्लारी पिरियाडो 1993, निन्ने पेलाडाटा 1996 जैसी फिल्मों में इसी तरह की छोटी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिंधुराम 1997 और मानसिची चद्दू 1998, प्रेमाकू और वेलाराया 1999, समुद्रम 1999, अनन्या सन 2000 में सहायक भूमिका निभाई है। दोस्तों कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों तेजा की पहली मुख्य भूमिका निकोसम 1999 में आई थी, जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की, लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्होंने 90 स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला है। उन्होंने दोस्तों इतलो श्री वाणी सुब्रमण्यम 2001 और अनुपु अबुनु और बल्ली दारू इस्ता पद्दारू के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया था 2002 और इडियट 2002 के। इसके बाद दोस्तों तेजा ने खडगाम 2002 में और अम्माना ओ तमिल अम्याई 2003 और व्यंकी 2004 और ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमाकुड्डू 2006 और दुबई सिनु 2007 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और निन्ने थे 2008, किक 2009, संभो शिव संभो 2010 और डान सिनु 2010, मेरा पाके 2011 और बल्लूपू 2013 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय किए हैं। लेकिन दोस्तों 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुत्था और त्यागा, मानसिची और चद्दू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेलायराया फिल्मों में भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म का सिल्वर नदी पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नदी पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों वह कृष्णा वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनन्या और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे थे। वह दोस्तों छमंगा वेली और लडंगा रेडी, त्रिमाला, तिरुपति और वेंकटेश और शंकु तुब्बा, सपारी वारे और समेथम भी जैसे कई मल्टी स्टार फिल्मों में मुख्य भूमिका दिखाई दी है। 2001 में दोस्तों रवि तेजा का पूरी जगन्नाथन के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब दोस्तों उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्री वाणी सुब्रमण्यम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही थी, लेकिन दोस्तों एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली थी। 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु और वल्ली दारू इस्ता पद्दारू वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह अभिनीति फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सफल रही और रवि तेजा को प्रशंसा मिली, लेकिन दोस्तों इस वर्ष रवि तेजा को इडियट्स में भी देखा गया था। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और रक्षिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद अदायगी को अल्लूज को और फिल्म देखने वाले ने सम्मान रूप से प्रशंसा की है। इसी वर्ष दोस्तों कृष्णा वामसी की खड्गाम भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म के लिए सरोजनी देवी पुरस्कार जीता था और यह एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता का किरदार में रवि तेजा ने उन्होंने दूसरी बार 90 स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया है। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिल और अम्माई
के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथन के साथ फिर से काम किया था और असीम की सह अभिनेती फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट ही और दोस्तों आइडल ब्रेन के जीवा ने उनकी प्रशंसा की थी। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत, उनकी संवाद और अदायगी और लापरवाह बॉडी चैलेंज में निहित है। इसी वर्ष दोस्तों रवि तेजा ने डोगांडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कल्याणी द्वारा सह अभिनेती और श्रीनिवास भी नैनी और विडे द्वारा निर्देशित सह अभिनेती आरती अग्रवाल और रवि राज पेनिसेटी द्वारा निर्देशित उसी बस रवि तेजा को ई अव्याय चला और नाच नाम चुद्दू जैसी रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया था और आइडल ब्रेन ने लिखा कि उनकी कॉमेडी पहले भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतें और जिस तरह से वह पर्दापन के सामने खुद को कोसते हैं और वह प्रतिफुल्लित करने वाला है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित ना ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने लिखा कि रवि तेजा ने एक निराश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। चाटी का निर्देशक और शुभन के लिए था, लेकिन दोस्तों 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और सरूल रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल थे। उन्होंने दोस्तों हरिशंकर द्वारा निर्देशित और रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शंक में भी काम किया था। लेकिन दोस्तों 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुड्डू के लिए निर्देशक SS राजमौली के साथ काम किया था। 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है और दोस्तों आइडल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। विक्रमाकुड्डू अभिनय के पहले पहलू में रवि तेजा को अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने दोस्तों अथाली सत्थी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदार का सामना करना सामान रूप से अच्छा निभाने के लिए जीता है। लेकिन दोस्तों उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही शानदार है और नतीजन रवि तेजा के खतरनाक 2006 और दुबई सिनू 2007 ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दोस्तों निर्देशक वैतला के साथ उनका तीसरा सहयोग था। लेकिन दोस्तों 2008 में रवि तेजा ने बीवी विनायक की 3 फिल्मों में अभिनय किया था। कृष्णा बदलापुर और निन्नीथे में निर्देशित पुरी के साथ अपना चौथा सहयोग शुरू किया था। हालांकि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन दोस्तों फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा की भूमिका को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नदी पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2009 में रवि तेजा को एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ किया था। यह फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। लेकिन दोस्तों उसी वर्ष बाद में यह अजय नेजुल्लू में दिखाई दी और 2010 में उनकी फिल्म सब्बो में गोपीचंद मालिनी द्वारा निर्देशित डांस सीनू शामिल थी। 2011 में रवि तेजा की 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि उनकी पहली रिलीज हरिशंकर की मेरा पाक्के थी, जो कि दोस्तों बाद में उन्होंने रामगोपाल वर्मा की डोंगला और मुत्था रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों कथा स्क्रीन प्ले और दर्शक काव्य और अप्पा लाराजू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे दोस्तों वर्मा ने निर्देशित किया था और इसी वर्ष उनकी आखिरी रिलीज विराथी
लेकिन दोस्तों बाद में इस फिल्म के बाद उनके सामूहिक एक्शन दृश्य के लिए उन्हें मास और महाराजा कहा जाने लगा था। 2012 में रवि तेजा ने गुन्ना शेखर की निप्पू और शिवा में दारुबू के साथ चार फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने दोस्तों फंतासी कॉमेडी देवदू और चेसीना मानसुल्लु के लिए निर्देशक पुरी के साथ पांचवी बार सहयोग किया है, लेकिन दोस्तों बाद में यह परासुरम के और सरो सारो चारु में दिखाई दिए थे। Rediff.com ने लिखा कि रवि तेजा एक अलग अवतार में है, लेकिन दोस्तों एक अधिक विनम्र अवतार में एक अभिक अभिनेता के लिए छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है। रवि तेजा इस बदलाव को काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन दोस्तों 2014 में उन्होंने नवोदित निर्देशक के एस रविचंद्र के साथ पावर में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए उसके अभिनय के साथ ही साई राम शंकर की रोमियो में एक और केमियो की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने की के सीक्वल के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ फिर से काम किया है, लेकिन दोस्तों किक टू और नंदा मोरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है, लेकिन दोस्तों भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बाद में दोस्तों उन्होंने पसंद नदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन दोस्तों फिल्म 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उस बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेता अनुपम खेर के साथ में अभिनेत्री नूपुर सेनन भी अपने महत्वपूर्ण मूवी जो कि न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। अनुपम खेर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। निर्देशक और निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई प्रमुख या समांतर भूमिकाओं से सहित कई तरह के किरदार निभाए हैं। उनकी प्रशंसा में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है, लेकिन दोस्तों भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अनुपम खेर ने अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म संसारांश 1984 से की, जिसमें खेर की सफलता की भूमिका थी। खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की है, लेकिन दोस्तों बुजुर्ग पिता चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। तब से दोस्तों उन्होंने कई अन्य सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कर्मा 1986 और तेजाब 1988 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में उन्होंने काफी सराहना किया गया है। विजय के लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, लेकिन दोस्तों 1989 में राम लखन में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई है। उनका दिल जीता कॉमिक और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार और डैडी के लिए उन्होंने सार्वभौमिक का प्रशंसा मिली है। और दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के वर्षों में दोस्तों खैर के दिल 1990, सौदागर 1991, लम्हे 1991, हम आपके हैं कौन 1994, चाहत 1996, स्पेशल 26 2013 जैसी फिल्मों के लिए
फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने दोस्तों भारत में पहले भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नाटक के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में किया कार्य किया है। अक्टूबर 2017 में खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए उनकी नियुक्ति विवादास्पद थी, लेकिन दोस्तों बात किया अनुपम खेर ने 1984 में अनुपम खेर ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म सरांश से की, जिसमें दोस्तों उन्होंने 61 वर्षीय स्वयं निकृतिक माध्यम में गृह शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों अपने बेटे को खो देते हैं और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर माध्यम में सफलता मिली है। हालांकि दोस्तों खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्होंने बुजुर्ग पिता के किरदार के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। खेर ने कहा है कि उनके कमर उम्र की उम्र में ही आने वाला खो दिया है थे, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 1985 से 1988 तक वो कई अन्य परियोजनाओं में काम करते रहे, लेकिन दोस्तों वो सभी माध्यम रूप से सफल रही, लेकिन दोस्तों उन फिल्मों में उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि दोस्तों एन चंद्रक की एक्शन थ्रिलर तेजाब 1988 में श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसकी बेटी को उसके लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और जो दोस्तों उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने अनिल कपूर की सह कलाकार में माधुरी दीक्षित की काफी सराहना की गई है, लेकिन दोस्तों बाद में 1988 में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त किया और विजय में भी उनके अभिनय की प्रशंसा की गई है, जिससे दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। 1989 में खेर के करियर में सुधार हुआ जब दोस्तों उन्होंने सुभाष घई की थ्रिलर राम लखन और टेलीविजन में एक डैडी में उनके अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली है, जिसने दोस्तों उन्हें भट्ट के साथ फिर से जोड़ा गया था। पूर्व सह कलाकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और प्रेस रावल शामिल थे और दोस्तों उन्होंने देवघर शास्त्री के सहायक किरदार में खेर को दिखाया गया था, जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी शादी की आविष्कार करता है, अपने बचपन के दोस्त के साथ जो उसका प्रेमी भी है और राम लखन दुनिया भर में 326 मिलियन यानी US$4.1 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। बाद में दोस्तों राम लखन दोनों ने खेर के कई पुरस्कार दिलाए और सर्वपूर्व के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मोशन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार और कौशिक के साथ सजा प्राप्त किया है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में 1989 में अनुपम खेर ने 1986 की फंतासी फिल्म नगीना की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका नाम निगाहे नगीना भाग था, जो दोस्तों श्रीदेवी और अनिल सनी देओल के साथ सह कलाकार में उन्होंने गोरखनाथ नामक का एक सपेरे की भूमिका निभाई है। इसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो यह फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों
2023 की न्यू अपकमिंग मूवी में से एक बनकर आ रही है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रेणु देसाई, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कस्ट्यूम डिजाइनर और पूर्व मॉडल है। देसाई का जन्म एक मराठी भाषा के घर में हुआ था और उनका बेटा है जिसका जन्म 2004 में तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण से हुआ है, जिनसे उन्होंने 28 जनवरी 2009 को शादी की और दंपति की 2010 में एक बेटी भी पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्मों में प्रवेश से पहले देसाई का एक मॉडल थी और शंकर महादेव की गीता थ्रेलेस की संगीत वीडियो में दिखाई दी थी। उन्होंने दोस्तों अपने भाभी और पति के साथ बद्री और जानी फिल्मों में अभिनय किया था। रेणु अपने गृहनगर लौट आई और अब मराठी फिल्मों में सक्रिय है। 2013 में वह मंगला सटक और वंश मारे के साथ निर्माता बनी और 2004 में इश्क वाला लव के साथ निर्देशक बनी थी। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म में जिसुसेन गुप्ता, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव में आपको दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देखने को नजर आएंगे। जिसुसेन गुप्ता जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करते हैं, जिसमें से अभिनेता रवि तेजा की जोड़ी में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेंगे। यह एक भारतीय अभिनेता निर्माता टेलीविजन प्रस्तोता है जो दोस्तों मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों सेन गुप्ता ने बंगाली टीवी श्रृंखला महाप्रभु 1996 के माध्यम में अपनी शुरुआत की, जहां दोस्तों उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई है। इस भूमिका से उन्हें काफ़ी पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने प्रियोजान 1999 से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई और 2002 में उन्होंने देवाश्री राय के साथ शकुंतला राय में के महत्वाकांक्षी उद्यम और चेले बेला में टाइगर की भूमिका निभाई है। कंदाबरी देवी का किरदार निभा रही है, जिसके बाद वह कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने दोस्तों श्याम बेनेगल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोस्तों उन्होंने ऋतु पन्नो घोष के साथ ओबोहुमन के लिए काम किया था, जिससे दोस्तों उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसके बाद उन्होंने घोष के साथ फिल्म के लिए सहयोग किया, जिसमें शोभ और चरित्रो कल्पनिक और नौका डुब्बी शामिल है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एस्तर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जबकि दोस्तों जतीश्वर जैसी फिल्मों के लिए अन्य निर्देशक के साथ जिसुसेन गुप्ता के सहयोग ने उन्हें बंगाली सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बनने का सक्षम बनाया था। वह जिसुसेन गुप्ता ने अनुराग बसु के निर्देशक में बनी फिल्म बर्फी में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे, जो दोस्तों जिसुसेन गुप्ता की श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी संगीतम ड्रामा फिल्म जतीश्वर के लिए सहयोग किया था, जिसमें दोस्तों प्रोसन्नचित्त और चटर्जी की स्वतिकृता और मुखर्जी की सहकलाकारी थी, जो दोस्तों 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को समीक्षकों से व्यापक सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल रही और जिसुसेन गुप्ता ने रानी मुखर्जी की अभिनीति मर्दानी में सहायक किरदार निभाया है।
2015 में उन्होंने अजय दत्त की बायोमकेश बख्शी की भूमिका निभाई, जो कि दोस्तों इसके बाद उन्होंने श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी ड्रामा फिल्म राज कहानी के लिए सहयोग किया था। फिल्म रिलीज होने पर दोनों फिल्म को व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली और 2015 में उनकी अन्य रिलीज म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हसीनगर फ्लॉप हो गई थी। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन ने अल्लोज को की प्रशंसा अर्जित की और 2016 में उन्होंने बायोकमेकेश बख्शी और गुल्फिकार की अगली कड़ी में अभिनय किया था। पहला व्यावसायिक रूप से गंभीर रूप से सफल उद्यम था, लेकिन दोस्तों जबकि बाद वाला केवल व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम था। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने दोस्तों 2004 में 12वें कलाकार पुरस्कार में फिर अब्बार और 98 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूर्व फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर अवार्ड्स और ईस्ट 2017 नामांकन भी मिला है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बाद के लिए सहायक अभिनेता की श्रेणी में अब तक की उन्होंने विशेष प्रसाद मुखर्जी और नंदिता राय के निर्देशक में बनी फिल्म पोस्टो में अभिनय किया था, दायरे पर हावी है। लेकिन दोस्तों साहसी और डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी है, जहां दोस्तों पुलिस को चकमा देने के उसके सरल तरीके स्थानीय दिवंगत दंती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर के रोमांचक और भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों रवि तेजा फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव के रूप में दिखाई देंगे और वहीं दोस्तों अभिनेत्री नूपुर अनुपम खेर, अभिनेता आईवी अधिकारी राघव राजेंद्र राजपूत के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों सारा के रूप में नूपुर सेनन और हेमलता लवन के रूप में रेणु देसाई अपना रोल निभाई है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2022 को तेलंगाना के शमशाबाद के पास 5 एकड़ की जगह पर शुरू की गई है। फिल्मांकन हैदराबाद में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन दृश्य में घायल हो गए और दोस्तों चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की थी। नूपुर सेनन और अनुपम खेर 2022 में फिल्मांकन में शामिल हुए और फिल्म टीम ने जुलाई 2023 को शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, लेकिन दोस्तों पहला एकल शीर्षक एकदम जो दोस्तों 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक बिद्दु 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों बात की जाए फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह मूवी काफ़ी जबरदस्त बनी है, जो दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है और यह दोस्तों आपके सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली मूवी जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 में बनकर आ रही है, तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म में रवि तेजा जो कि है जो दोस्तों इनका अभिनय काफ़ी बेहतर बनी है, जो दोस्तों इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी बात की जाए तो दोस्तों जिन्होंने पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वह मास और महाराजा उपनाम से लोकप्रिय है। सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेता में से एक तेजा ने 3 राज्य अनादि पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा शीर्षक 100 और मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था।
तेजा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर्तव्यम 1990 में एक अज्ञात भूमिका के साथ की और फिर अल्लारी पिरियाडो 1993, निन्ने पेलाडाटा 1996 जैसी फिल्मों में इसी तरह की छोटी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिंधुराम 1997 और मानसिची चद्दू 1998, प्रेमाकू और वेलाराया 1999, समुद्रम 1999, अनन्या सन 2000 में सहायक भूमिका निभाई है। दोस्तों कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों तेजा की पहली मुख्य भूमिका निकोसम 1999 में आई थी, जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की, लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्होंने नकदी स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला है। उन्होंने दोस्तों इतलू श्री वाणी सुब्रमण्यम 2001 और अनुपु अबुनु और बल्ली दारू इस्ता पद्दारू के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया था 2002 और इडियट 2002 के। इसके बाद दोस्तों तेजा ने खटगाम 2002 में और अम्मन्ना ओ तमिल अम्याई 2003 और व्यंकी 2004 और ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमाकुड्डू 2006 और दुबई सिनू 2007 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और निन्नेथे 2008, किक 2009, संभो शिव संभो 2010 और डान सिनू 2010, मेरा पाके 2011 और बल्लूपू 2013 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय किए हैं। लेकिन दोस्तों 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुत्था और त्यागा, मानसिची और चद्दू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेलायराया फिल्मों में भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म का सिल्वर नदी पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नदी पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों वह कृष्णा वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनन्या और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे थे। वह दोस्तों छमंगा वेली और लडंगा रेडी, त्रिमाला, तिरुपति और वेंकटेश और शंकु तुब्बा, सपारी वारे और समेथम भी जैसी कई मल्टी स्टार फिल्मों में मुख्य भूमिका दिखाई दी है। 2001 में दोस्तों रवि तेजा का पूरी जगन्नाथन के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब दोस्तों उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्री वाणी सुब्रमण्यम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही थी, लेकिन दोस्तों एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली थी। 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुनु और वल्ली दारू इस्ता पद्दारू वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह अभिनेती फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सफल रही और रवि तेजा को प्रशंसा मिली, लेकिन दोस्तों इस वर्ष रवि तेजा को इडियट्स में भी देखा गया था। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और रक्षिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद अदायगी को अल्लोज को और फिल्म देखने वाले ने सम्मान रूप से प्रशंसा की है। इसी वर्ष दोस्तों कृष्णा वामसी की खटगाम भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म के लिए सरोजनी देवी पुरस्कार जीता था और यह एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता का किरदार में रवि तेजा ने उन्होंने दूसरी बार नकदी स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया है। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिल और अम्माई
के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथन के साथ फिर से काम किया था और असीम की सह अभिनेती फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और दोस्तों आइडल ब्रेन के जीवा ने उनकी प्रशंसा की थी। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत, उनकी संवाद और अदायगी और लापरवाह बॉडी चैलेंज में निहित है। इसी वर्ष दोस्तों रवि तेजा ने डोगांडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कल्याणी द्वारा सह अभिनेत्री और श्रीनिवास भी नैनी और विद्य द्वारा निर्देशित सह अभिनेत्री आरती अग्रवाल और रवि राज पेनिसेटी द्वारा निर्देशित उसी बस रवि तेजा को ई अव्याय चला और नाच नाम चुद्दू जैसी रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया था और आइडल ब्रेन ने लिखा कि उनकी कॉमेडी पहले भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतें और जिस तरह से वह पर्दापन के सामने खुद को कोसते हैं और वह प्रतिफुल्लित करने वाला है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित ना ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों आलोचकों ने लिखा कि रवि तेजा ने एक निराश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। चाटी का निर्देशक और शुभन के लिए था, लेकिन दोस्तों 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और सरूल रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल थे। उन्होंने दोस्तों हरिशंकर द्वारा निर्देशित और रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शांक में भी काम किया था। लेकिन दोस्तों 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुड्डू के लिए निर्देशक एसएस राजमौली के साथ काम किया था। 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है और दोस्तों आइडल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। विक्रमाकुड्डू अभिनय के पहले पहलू में रवि तेजा को अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने दोस्तों 48 सत्थी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदार का सामना करना सामान्य रूप से अच्छा निभाने के लिए जीता है। लेकिन दोस्तों उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही शानदार है और नतीजन रवि तेजा के खतरनाक 2006 और दुबई सिनु 2007 ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दोस्तों निर्देशक वैतला के साथ उनका तीसरा सहयोग था। लेकिन दोस्तों 2008 में रवि तेजा ने बीवी विनायक की 3 फिल्मों में अभिनय किया था। कृष्णा बदलापुर और निन्नीथे में निर्देशित पुरी के साथ अपना चौथा सहयोग शुरू किया था। हालांकि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन दोस्तों फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा की भूमिका को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नदी पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2009 में रवि तेजा को एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ किया था। यह फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। लेकिन दोस्तों उसी वर्ष बाद में यह अजय नेंजुल्लू में दिखाई दी और 2010 में उनकी फिल्म शंभू में गोपीचंद मालिनी द्वारा निर्देशित डांस सिनु शामिल थी। 2011 में रवि तेजा की 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि उनकी पहली रिलीज हरिशंकर की मेरा पाक्के थी, जो कि दोस्तों बाद में उन्होंने रामगोपाल वर्मा की डोंगला और मुत्था रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों कथा स्क्रीन प्ले और दर्शक काव्य और अप्पा लाराजू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे दोस्तों वर्मा ने निर्देशित किया था और इसी वर्ष उनकी आखिरी रिलीज विराथी
लेकिन दोस्तों बाद में इस फिल्म के बाद उनके सामूहिक एक्शन दृश्य के लिए उन्हें मास और महाराजा कहा जाने लगा था। 2012 में रवि तेजा ने गुन्ना शेखर की निप्पू और शिवा में दारुबू के साथ चार फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने दोस्तों फंतासी कॉमेडी देवुद्दू और चेसीना मानसुल्लु के लिए निर्देशक पुरी के साथ पांचवी बार सहयोग किया है, लेकिन दोस्तों बाद में यह परासुरम के और सरो सारो चारु में दिखाई दिए थे। Rediff.com ने लिखा कि रवि तेजा एक अलग अवतार में है, लेकिन दोस्तों एक अधिक विनम्र अवतार में एक अभिक अभिनेता के लिए छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है। रवि तेजा इस बदलाव को काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन दोस्तों 2014 में उन्होंने नवोदित निर्देशक के एस रविचंद्र के साथ पावर में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए उसके अभिनय के साथ ही साई राम शंकर की रोमियो में एक और केमियो की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने के सीक्वल के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ फिर से काम किया है, लेकिन दोस्तों किक 2 और नंदा मोरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है, लेकिन दोस्तों भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बाद में दोस्तों उन्होंने पसंद नदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिका निभाई है, लेकिन दोस्तों फिल्म 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेता अनुपम खेर के साथ में अभिनेत्री नूपुर सेनन भी अपने महत्वपूर्ण मूवी जो कि न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। अनुपम खेर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। निर्देशक और निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई प्रमुख या समांतर भूमिकाओं से सहित कई तरह के किरदार निभाए हैं। उनकी प्रशंसा में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है, लेकिन दोस्तों भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अनुपम खेर ने अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म संसारांश 1984 से की, जिसमें खेर की सफलता की भूमिका थी। खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की है, लेकिन दोस्तों बुजुर्ग पिता चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। सबसे दोस्तों उन्होंने कई अन्य सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कर्मा 1986 और तेजाब 1988 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में उन्होंने काफ़ी सराहना किया गया है। विजय के लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, लेकिन दोस्तों 1989 में राम लखन में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई है। उनका दिल जीता कॉमिक और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार और डैडी के लिए उन्होंने सार्वभौमिक का प्रशंसा मिली है। और दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के वर्षों में दोस्तों खैर के दिल 1990, सौदागर 1991, लम्हे 1991, हम आपके हैं कौन 1994, चाहत 1996, स्पेशल 26 2013 जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
उन्होंने दोस्तों भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और राष्ट्रीय नाटक के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अक्टूबर 2017 में खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए उनकी नियुक्त विवादास्पद थी, लेकिन दोस्तों बात किया अनुपम खेर ने 1984 में अनुपम खेर ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म सरांश से की, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक 65 वर्षीय स्वयं निकृतिक माध्यम में गृह शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों अपने बेटे को खो देते हैं और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर माध्यम में सफलता मिली है। हालांकि दोस्तों खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्होंने बुजुर्ग पिता के किरदार के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। खेर ने कहा है कि उनके कमर उम्र में ही आने वाला खो दिया है थे, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 1985 से 1988 तक वो कई अन्य परियोजनाओं में काम करते रहे, लेकिन दोस्तों वो सभी माध्यम रूप से सफल रही, लेकिन दोस्तों उन फिल्मों में उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि दोस्तों एन चंद्रक की एक्शन थ्रिलर तेजाब 1988 में श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसकी बेटी को उसके लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और जो दोस्तों उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने अनिल कपूर की सहकलाकार में माधुरी दीक्षित की काफी सराहना की गई है, लेकिन दोस्तों बाद में 1988 में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त किया और विजय में भी उनके अभिनय की प्रशंसा की गई है, जिससे दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। 1989 में खेर के करियर में सुधार हुआ, जब दोस्तों उन्होंने सुभाष घई की थ्रिलर राम लखन और टेलीविजन में एक डैडी में उनके अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली है, जिसने दोस्तों उन्हें भट्ट के साथ फिर से जोड़ा गया था। पूर्व सह कलाकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और प्रेस रावल शामिल थे और दोस्तों उन्होंने देवघर शास्त्री के सहायक किरदार में खेर को दिखाया गया था, जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी शादी की आविष्कार करता है, अपने बचपन के दोस्त के साथ जो उसका प्रेमी भी है और राम लखन दुनिया भर में 326 मिलियन यानी US$4.1 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। बाद में दोस्तों राम लखन दोनों ने खेर के कई पुरस्कार दिलाए और सर्वोत्कृष्ट के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मोशन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार और कौशिक के साथ सजा प्राप्त किया है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में 1989 में अनुपम खेर ने 1986 की फंतासी फिल्म नगीना की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका नाम निगाहे नगीना भाग था, जो दोस्तों श्रीदेवी और अनिल सनी देओल के साथ सहकलाकार में उन्होंने गोरखनाथ नामक का एक सपेरे की भूमिका निभाई है। इसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो यह फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों 2023 की न्यू अपकमिंग मूवी में से एक बनकर आ रही है,
बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रेणु देसाई, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कस्ट्यूम डिजाइनर और पूर्व मॉडल है। देसाई का जन्म एक मराठी भाषा के घर में हुआ था और उनका बेटा है जिसका जन्म 2004 में तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण से हुआ है, जिनसे उन्होंने 28 जनवरी 2009 को शादी की और दंपति की 2010 में एक बेटी भी पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्मों में प्रवेश से पहले देसाई का एक मॉडल थी और शंकर महादेव की गीता थ्रेलेस की संगीत वीडियो में दिखाई दी थी। उन्होंने दोस्तों अपने भाभी और पति के साथ बद्री और जानी फिल्मों में अभिनय किया था। रेणु अपने गृहनगर लौट आई और अब मराठी फिल्मों में सक्रिय है। 2013 में वह मंगला सटक और वंश मारे के साथ निर्माता बनी और 2004 में इश्क वाला लव के साथ निर्देशक बनी थी। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म में जिसुसेन गुप्ता, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव में आपको दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देखने को नजर आएंगे। जिसुसेन गुप्ता जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करते हैं, जिसमें से अभिनेता रवि तेजा की जोड़ी में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेंगे। यह एक भारतीय अभिनेता निर्माता टेलीविजन प्रस्तुत है जो दोस्तों मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों सेन गुप्ता ने बंगाली टीवी श्रृंखला महाप्रभु 1996 के माध्यम में अपनी शुरुआत की, जहां दोस्तों उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई है। इस भूमिका से उन्हें काफ़ी पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने प्रियोजान 1999 से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई और 2002 में उन्होंने देवाश्री राय के साथ सुकुंता राय में के महत्वाकांक्षी उद्यम और चेले बेला में टाइगर की भूमिका निभाई है। कंदाबरी देवी का किरदार निभा रही है, जिसके बाद वह कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने दोस्तों श्याम बेनेगल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोस्तों उन्होंने ऋतु पन्नो घोष के साथ ओबोहमन के लिए काम किया था, जिससे दोस्तों उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसके बाद उन्होंने घोष के साथ फिल्म के लिए सहयोग किया, जिसमें शोभ और चरित्रो कल्पनिक और नौकार डुब्बी शामिल है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने स्तर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जबकि दोस्तों जतिश्वर जैसी फिल्मों के लिए अन्य निर्देशक के साथ जिसुसेन गुप्ता के सहयोग ने उन्हें बंगाली सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बनने का सक्षम बनाया था। वह जिसुसेन गुप्ता ने अनुराग बसु के निर्देशक में बनी फिल्म बर्फी में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे, जो दोस्तों जिसुसेन गुप्ता की श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी संगीतम ड्रामा फिल्म जतिश्वर के लिए सहयोग किया था, जिसमें दोस्तों प्रोसन्नचित्त और चटर्जी की स्वतिकृता और मुखर्जी की सहकलाकारी थी, जो दोस्तों 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को समीक्षकों से व्यापक सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल रही और जिसुसेन गुप्ता ने रानी मुखर्जी की अभिनीति मर्दानी में सहायक किरदार निभाया है। 2015 में उन्होंने अजय दत्त की
बायोमा केस बक्सी की भूमिका निभाई, जो कि दोस्तों इसके बाद उन्होंने श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी ड्रामा फिल्म राज कहानी के लिए सहयोग किया था। फिल्म रिलीज होने पर दोनों फिल्म को व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली और 2015 में उनकी अन्य रिलीज म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हसीनगर फ्लॉप हो गई थी। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और 2016 में उन्होंने बायोकॉमिक्स बॉक्सी और गुलफिकार की अगली कड़ी में अभिनय किया था। पहला व्यावसायिक रूप से गंभीर रूप से सफल उद्यम था, लेकिन दोस्तों जबकि बाद वाला केवल व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम था। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने दोस्तों 2004 में 12वें कलाकार पुरस्कार में फिर अब्बार और 98 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूर्व फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर अवार्ड्स और ईस्ट 2017 नामांकन भी मिला है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बाद के लिए सहायक अभिनेता की श्रेणी में अब तक की उन्होंने विशेष प्रसाद मुखर्जी और नंदिता राय के निर्देशक में बनी फिल्म पोस्टो में अभिनय किया था। आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यह फिल्म काफी साउथ इंडियन की हर एक मूवी से हटकर ये जबरदस्त मूवी बनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टर वामसी की डायरेक्टर में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों यह काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। तो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव एक आगामी तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों वामसी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। फिल्म में अनुपम खेर, नूपुर सेनन, रेणु देसाई, जिसुसेन गुप्ता और गायत्री भद्राज और मुरली शर्मा के साथ रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। 1970 के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है, जो दोस्तों एस्टुअर्टपुरम में आतंक के दायरे पर हावी है। लेकिन दोस्तों साहसी और डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी है, जहां दोस्तों पुलिस को चकमा देने के उसके सरल तरीके स्थानीय दिवंगत दंती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर की रोमांचक और भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों रवि तेजा फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव के रूप में दिखाई देंगे, और वहीं दोस्तों अभिनेत्री नूपुर अनुपम खेर, अभिनेता आईबी अधिकारी राघव राजेंद्र राजपूत के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों सारा के रूप में नूपुर सेनन और हेमलता लवन के रूप में रेणु देसाई अपना रोल निभाई है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2022 को तेलंगाना के शमशाबाद के पास 5 एकड़ की जगह पर शुरू की गई है। फिल्मांकन हैदराबाद में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन दृश्य में घायल हो गए, और दोस्तों चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की थी। नूपुर सेनन और अनुपम खेर 2022 में फिल्मांकन में शामिल हुए, और फिल्म टीम ने जुलाई 2023 को शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, लेकिन दोस्तों पहला एकल शीर्षक एकदम जो दोस्तों 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक बिद्दु 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों बात की जाए फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों यह मूवी काफ़ी जबरदस्त बनी है, जो दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है, और यह दोस्तों आपके सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली मूवी, जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 में बनकर आ रही है। तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म में रवि तेजा जो कि है, जो दोस्तों इनका
अभिनय काफी बेहतर बनी है। जो दोस्तों इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी बात की जाए तो दोस्तों जिन्होंने पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वह मास और महाराजा उपनाम से लोकप्रिय है। सबसे अधिक कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेता में से एक तेजा ने 3 राज्य नदी पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा शीर्षक 100 और मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था। तेजा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर्तव्यम 1990 में एक अज्ञात भूमिका के साथ की और फिर अल्लारी पीरियाडो 1993, निन्ने पेलाडाटा 1996 जैसी फिल्मों में इसी तरह की छोटी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिंधुरम 1997 और मानसिची चद्दू 1998, प्रेमाकू और वेलाराया 1999, समुद्रम 1999, अनन्या सन 2000 में सहायक भूमिका निभाई है। दोस्तों कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। लेकिन दोस्तों तेजा की पहली मुख्य भूमिका निकोसम 1999 में आई थी जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की। लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्होंने 90 स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला है। उन्होंने दोस्तों इतलू श्री वाणी सुब्रमण्यम 2001 और अनुपु अबुनु और बल्ली दारू इस्ता पद्दारू के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया था 2002 और इडियट 2002 के। इसके बाद दोस्तों तेजा ने खडगाम 2002 में और अम्माना ओ तमिल अम्याई 2003 और व्यंकी 2004 और ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमाकुड्डू 2006 और दुबई सिनु 2007 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और निन्नेथे 2008, किक 2009, संभो शिव संभो 2010 और डान सिनु 2010, मेरा पाके 2011 और बल्लूप्पू 2013 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय किए हैं। लेकिन दोस्तों 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुत्था और त्यागा, मानसिची और चद्दू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेलायराया फिल्मों में भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म का सिल्वर नदी पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नदी पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों वह कृष्ण वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनन्या और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे थे। वह दोस्तों छमंगा वेली और लडंगा रेडी, त्रिमाला, तिरुपति और वेंकटेश और शंकु तुब्बा, सपारी वारे और समेथम भी जैसी कई मल्टी स्टार फिल्मों में मुख्य भूमिका दिखाई दी है। 2001 में दोस्तों रवि तेजा का पूरी जगन्नाथन के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब दोस्तों उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्री वाणी सुब्रमण्यम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही थी। लेकिन दोस्तों एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली थी। 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुन्नु और वल्ली दारू इस्ता पद्दारू वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह अभिनेती फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सफल रही और रवि तेजा को प्रशंसा मिली। लेकिन दोस्तों इस वर्ष रवि तेजा को इडियट्स में भी देखा गया था।
पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और रचिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद अदायगी को अल्लूज को और फिल्म देखने वाले ने सम्मान रूप से प्रशंसा की है। इसी वर्ष दोस्तों कृष्णा वामसी की खड्गाम भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म के लिए सरोजनी देवी पुरस्कार जीता था और यह एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता का किरदार में रवि तेजा ने उन्होंने दूसरी बार नकदी स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया है। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिल और अम्माई के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथन के साथ फिर से काम किया था और असीम की सह अभिनेती फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और दोस्तों आइडल ब्रेन के जीवा ने उनकी प्रशंसा की थी। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत उनकी संवाद और अदायगी और लापरवाह बड़ी चैलेंज में निहित है। इसी वर्ष दोस्तों रवि तेजा ने डोगांडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कल्याणी द्वारा सह अभिनीति और श्रीनिवास भी नैनी और विडे द्वारा निर्देशित सह अभिनीति आरती अग्रवाल और रवि राज पेनिसेटी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अभ्याय चला और नाच नाम चुद्दू जैसी रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया था और आइडल ब्रेन ने लिखा कि उनकी कॉमेडी पहले भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतें और जिस तरह से वह पर्दापन के सामने खुद को कोसते हैं और वह प्रतिफुल्लित करने वाला है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित ना ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों अल्लोच को ने लिखा कि रवि तेजा ने एक निराश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। चाटी का निर्देशक और शुभन के लिए था लेकिन दोस्तों 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और सरूल रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल थे। उन्होंने दोस्तों हरिशंकर द्वारा निर्देशित और राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शांक में भी काम किया था। लेकिन दोस्तों 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुड्डू के लिए निर्देशक एसएस राजमौली के साथ काम किया था। 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है और दोस्तों आइडल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। विक्रमाकुड्डू अभिनय के पहले पहलू में रवि तेजा को अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने दोस्तों अथाली सत्थी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदार का सामना करना सामान्य रूप से अच्छा निभाने के लिए जीता है। लेकिन दोस्तों उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही शानदार है और नतीजन रवि तेजा के खतरनाक 2006 और दुबई सिनु 2007 ने मुख्य भूमिका निभाई है जो दोस्तों निर्देशक वैतला के साथ उनका तीसरा सहयोग था। लेकिन दोस्तों 2008 में रवि तेजा ने बीवी विनायक की 3 फिल्मों में अभिनय किया था। कृष्णा बदलापुर और निन्नीथे में निर्देशित पुरी के साथ अपना चौथा सहयोग शुरू किया था। हालांकि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन दोस्तों फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा की भूमिका को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नकदी पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2009 में रवि तेजा को एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ किया था। यह फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। लेकिन दोस्तों उसी वर्ष बाद में यह
अजय निजुल्लू में दिखाई दी और 2010 में उनकी फिल्म सब्बो शिव सब्बो में गोपीचंद मालिनी द्वारा निर्देशित डांस सीनू शामिल थी। 2011 में रवि तेजा की 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि उनकी पहली रिलीज हरिशंकर की मेरा पाक्के थी, जो कि दोस्तों बाद में उन्होंने रामगोपाल वर्मा की डोंगला और मुत्था रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों कथा स्क्रीन प्ले और दर्शक काव्य और अप्पा लाराजू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे दोस्तों वर्मा ने निर्देशित किया था और इसी वर्ष उनकी आखिरी रिलीज विरा थी। लेकिन दोस्तों बाद में इस फिल्म के बाद उनके सामूहिक एक्शन दृश्य के लिए उन्हें मास और महाराजा कहा जाने लगा था। 2012 में रवि तेजा ने गुन्ना शेखर की निप्पू और शिवा में दारुबू के साथ 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने दोस्तों फंतासी कॉमेडी देवदू और चेसीना मानसुल्लु के लिए निर्देशक बुरी के साथ 5वीं बार सहयोग किया है। लेकिन दोस्तों बाद में यह परासुरम के और सारो चारु में दिखाई दिए थे। Rediff.com ने लिखा कि रवि तेजा एक अलग अवतार में है, लेकिन दोस्तों एक अधिक विनम्र अवतार में एक अभिक अभिनेता के लिए छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है। रवि तेजा इस बदलाव को काफ़ी अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में उन्होंने नवोदित निर्देशक के एस रविचंद्र के साथ पावर में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए उसके अभिनय के साथ ही साई राम शंकर की रोमियो में एक और केमियो की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने के सीक्वल के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ फिर से काम किया है। लेकिन दोस्तों किक 2 और नंदा मोरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है, लेकिन दोस्तों भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बाद में दोस्तों उन्होंने पसंद नदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों फिल्म 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेता अनुपम खेर के साथ में अभिनेत्री नूपुर सेनन भी अपने महत्वपूर्ण मूवी जो कि न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। अनुपम खेर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। निर्देशक और निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई प्रमुख या समांतर भूमिकाओं से सहित कई तरह के किरदार निभाए हैं। उनकी प्रशंसा में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। लेकिन दोस्तों भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अनुपम खेर ने अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म संसारांश 1984 से की, जिसमें खेर की सफलता की भूमिका थी। खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग पिता चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। तब से दोस्तों उन्होंने कई अन्य सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कर्मा 1986 और तेजाब 1988 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में उन्होंने काफ़ी सराहना किया गया है। विजय के लिए उन्होंने अपने
प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, लेकिन दोस्तों 1989 में राम लखन में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई है। उनका दिल जीता कॉमिक और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार और डैडी के लिए उन्होंने सार्वभौमिक का प्रशंसा मिली है। और दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के वर्षों में दोस्तों खैर के दिल 1990, सौदागर 1991, लम्हे 1991, हम आपके हैं कौन 1994, चाहत 1996, स्पेशल 26/2013 जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने दोस्तों भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और राष्ट्रीय नाटक के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अक्टूबर 2017 में खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए उनकी नियुक्त विवादास्पद थी, लेकिन दोस्तों बात किया अनुपम खेर ने 1984 में अनुपम खेर ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म सरांश से की, जिसमें दोस्तों उन्होंने 65 वर्षीय स्वयं निकृतिक माध्यम में गृह शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों अपने बेटे को खो देते हैं और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर माध्यम में सफलता मिली है। हालांकि दोस्तों खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्होंने बुजुर्ग पिता के किरदार के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। खेर ने कहा है कि उनके कमर उम्र में ही आने वाला खो दिया है थे, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 1985 से 1988 तक वो कई अन्य परियोजनाओं में काम करते रहे, लेकिन दोस्तों वो सभी माध्यम रूप से सफल रही, लेकिन दोस्तों उन फिल्मों में उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि दोस्तों एन चंद्रक की एक्शन थ्रिलर तेजाब 1988 में श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसकी बेटी को उसके लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो दोस्तों उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने अनिल कपूर की सहकलाकार में माधुरी दीक्षित की काफ़ी सराहना की गई है, लेकिन दोस्तों बाद में 1988 में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त किया और विजय में भी उनके अभिनय की प्रशंसा की गई है, जिससे दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। 1989 में खेर के करियर में सुधार हुआ, जब दोस्तों उन्होंने सुभाष गाय की थ्रिलर राम लखन और टेलीविजन में एक डैडी में उनके अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली है, जिसने दोस्तों उन्हें भट्ट के साथ फिर से जोड़ा गया था। पूर्व सह कलाकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और प्रेस रावल शामिल थे। और दोस्तों उन्होंने देवघर शास्त्री के सहायक किरदार में खेर को दिखाया गया था, जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी शादी की आविष्कार करता है, अपने बचपन के दोस्त के साथ जो उसका प्रेमी भी है, और राम लखन दुनिया भर में 326 मिलियन यानी US$4.1 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। बाद में दोस्तों राम लखन दोनों ने खेर के कई पुरस्कार दिलाए और सर्वश्रेष्ठ के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मोशन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है।
बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और कौशिक के साथ सजा प्राप्त किया है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में 1989 में अनुपम खेर ने 1986 की फंतासी फिल्म नगीना की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका नाम निगाहे नगीना भाग था, जो दोस्तों श्रीदेवी और अनिल सनी देओल के साथ सह कलाकार में उन्होंने गोरखनाथ नामक का एक सपेरे की भूमिका निभाई है। इसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो यह फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों 2023 की न्यू अपकमिंग मूवी में से एक बनकर आ रही है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रेणु देसाई, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कस्ट्यूम डिजाइनर और पूर्व मॉडल है। देसाई का जन्म एक मराठी भाषा के घर में हुआ था और उनका बेटा है जिसका जन्म 2004 में तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण से हुआ है, जिनसे उन्होंने 28 जनवरी 2009 को शादी की और दंपति की 2010 में एक बेटी भी पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्मों में प्रवेश से पहले देसाई का एक मॉडल थी और शंकर महादेव की गीता थ्रेलेस की संगीत वीडियो में दिखाई दी थी। उन्होंने दोस्तों अपने भाभी और पति के साथ बद्री और जानी फिल्मों में अभिनय किया था। रेणु अपने गृह नगर लौट आई और अब मराठी फिल्मों में सक्रिय है। 2013 में वह मंगला सटक और वंश मारे के साथ निर्माता बनी और 2004 में इसके वाला लव के साथ निर्देशक बनी थी। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म में जिसुसेन गुप्ता, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव में आपको दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देखने को नजर आएंगे। जिसुसेन गुप्ता जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करते हैं, जिसमें से अभिनेता रवि तेजा की जोड़ी में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेंगे। यह एक भारतीय अभिनेता निर्माता टेलीविजन प्रस्तुत है जो दोस्तों मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों सेन गुप्ता ने बंगाली टीवी श्रृंखला महाप्रभु 1996 के माध्यम में अपनी शुरुआत की, जहां दोस्तों उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई है। इस भूमिका से उन्हें काफ़ी पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने प्रियोजान 1999 से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई और 2002 में उन्होंने देवाश्री राय के साथ शकुंतला राय में के महत्वाकांक्षी उद्यम और चेले बेला में टाइगर की भूमिका निभाई है। कंदाबरी देवी का किरदार निभा रही है, जिसके बाद वह कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने दोस्तों श्याम बेनेगल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोस्तों उन्होंने ऋतु पन्नो घोष के साथ ओबोहमन के लिए काम किया था, जिससे दोस्तों उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसके बाद उन्होंने घोष के साथ फिल्म के लिए सहयोग किया, जिसमें शोभ और चरित्रो कलपोनिक और नौका डुब्बी शामिल है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने स्तर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जबकि दोस्तों जतिश्वर जैसी फिल्मों के लिए अन्य निर्देशक के साथ जिसुसेन गुप्ता के सहयोग ने उन्हें बंगाली सिनेमा में
सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बनने का सक्षम बनाया था। वंशजीत गुप्ता ने अनुराग बसु के निर्देशक में बनी फिल्म बर्फी में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। जो दोस्तों जीसुसेन गुप्ता की श्री जित मुखर्जी के साथ उनकी संगीतम ड्रामा फिल्म जतिस्वर के लिए सहयोग किया था, जिसमें दोस्तों प्रोसन्नचित्त और चटर्जी की स्वतिकृता और मुखर्जी की सहकलाकारी थी, जो दोस्तों 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को समीक्षकों से व्यापक सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल रही और जीसुसेन गुप्ता ने रानी मुखर्जी की अभिनीति मर्दानी में सहायक किरदार निभाया है। 2015 में उन्होंने अजय दत्त की बायोम के बख्शी की भूमिका निभाई, जो कि दोस्तों इसके बाद उन्होंने श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी ड्रामा फिल्म राज कहानी के लिए सहयोग किया था। फिल्म रिलीज होने पर दोनों फिल्म को व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली और 2015 में उनकी अन्य रिलीज म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हसीनगर फ्लॉप हो गई थी। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और 2016 में उन्होंने बायोकॉमिक्स बॉक्सी और गुलफिकार की अगली कड़ी में अभिनय किया था। पहला व्यावसायिक रूप से गंभीर रूप से सफल उद्यम था, लेकिन दोस्तों जबकि बाद वाला केवल व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम था। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने दोस्तों 2004 में 12वें कलाकार पुरस्कार में फिर अब्बार और 98 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूर्व फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर अवार्ड्स और ईस्ट 2017 नामांकन भी मिला है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बाद के लिए सहायक अभिनेता की श्रेणी में अब तक की उन्होंने विशेष प्रसाद मुखर्जी और नंदिता राय के निर्देशक में बनी फिल्म कोस्टो में अभिनय किया था। नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह काफी जबरदस्त मूवी है। तो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव एक आगामी तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों वामसी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। फिल्म में अनुपम खेर, नूपुर सेनन, रेणु देसाई, जीसुसेन गुप्ता और गायत्री भद्राज और मुरली शर्मा के साथ रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। 1970 के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है, जो दोस्तों एस्टुअर्टपुरम में आतंक के दायरे पर हावी है। लेकिन दोस्तों साहसी और डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी है, जहां दोस्तों पुलिस को चकमा देने के उसके सरल तरीके स्थानीय दिवंगत दंती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर के रोमांचक और भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों रवि तेजा फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव के रूप में दिखाई देंगे। और वहीं दोस्तों अभिनेत्री नूपुर अनुपम खेर, अभिनेता आईवी अधिकारी राघव राजेंद्र राजपूत के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों सारा के रूप में नूपुर सेनन और हेमलता लवन के रूप में रेणु देसाई अपना रोल निभाई है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2022 को तेलंगाना के शमशाबाद के पास 5 एकड़ की जगह पर शुरू की गई है। फिल्मांकन हैदराबाद में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन दृश्य में घायल हो गए और दोस्तों चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की थी। नूपुर सेनन और अनुपम खेर 2022 में फिल्मांकन में शामिल हुए और फिल्म टीम ने जुलाई 2023 को शूटिंग पूरी कर ली थी।
फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। लेकिन दोस्तों पहला एकल शीर्षक एकदम एकदम जो दोस्तों 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक बिद्दू 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों बात की जाए फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह मूवी काफ़ी जबरदस्त बनी है, जो दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है और यह दोस्तों आपके सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली मूवी जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 में बनकर आ रही है। तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म में रवि तेजा जो कि है जो दोस्तों इनका अभिनय काफ़ी बेहतर बनी है, जो दोस्तों इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी बात की जाए तो दोस्तों जिन्होंने पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वह मास और महाराजा उपनाम से लोकप्रिय है। सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता में से एक तेजा ने 3 राज्य अनादि पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा शीर्षक 100 और मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था। तेजा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर्तव्यम 1990 में एक अज्ञात भूमिका के साथ की और फिर अल्लारी पिरियाडो 1993, निन्ने पेलाडाटा 1996 जैसी फिल्मों में इसी तरह की छोटी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिंधुरम 1997 और मानसिची चद्दू 1998, प्रेमाकू और वेलाराया 1999, समुद्रम 1999, अनन्या सन 2000 में सहायक भूमिका निभाई है। दोस्तों कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। लेकिन दोस्तों तेजा की पहली मुख्य भूमिका निकोसम 1999 में आई थी जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की। लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्होंने 90 स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला है। उन्होंने दोस्तों इतलो श्री वाणी सुब्रमण्यम 2001 और अनुपु अबुनु और बल्ली दारू इस्ता पद्दारू के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया था 2002 और इडियट 2002 के। इसके बाद दोस्तों तेजा ने खटगाम 2002 में और अम्माना ओ तमिल अम्याई 2003 और व्यंकी 2004 और ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमाकुड्डू 2006 और दुबई सिनु 2007 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और निन्ने थे 2008, किक 2009, शंभो शिव शंभो 2010 और डान सिनु 2010, मेरा पाके 2011 और बल्लूपू 2013 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय किए हैं। लेकिन दोस्तों 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुत्था और त्यागा, मानसिची और चद्दू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेलायराया फिल्मों में भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म का सिल्वर नदी पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नदी पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों वह कृष्णा वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनन्या और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे थे। वह दोस्तों छमंगा वेली और लडंगा रेडी, त्रिमाला, तिरुपति और वेंकटेश और शंकु तुब्बा, सपारी वारे और समेथम भी जैसी कई मल्टी स्टार फिल्मों में मुख्य भूमिका दिखाई दी है।
2001 में दोस्तों रॉबी तेजा का पूरे जगन्नाथन के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब दोस्तों उन्होंने रॉबी तेजा को इटलू श्रीवानी सुब्रमण्यम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही थी, लेकिन दोस्तों एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रॉबी तेजा ने विश्वसनीयता मिली थी। 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुन्नु और वल्लीदारु इस्तापदारु वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह अभिनीत फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सफल रही और रवि तेजा को प्रशंसा मिली, लेकिन दोस्तों इस वर्ष रवि तेजा को इडियट्स में भी देखा गया था। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और रचिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद अदायगी को अल्लोज को और फिल्म देखने वाले ने सम्मान रूप से प्रशंसा की है। इसी वर्ष दोस्तों कृष्णा वामसी की खड्गाम भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म के लिए सरोजनी देवी पुरस्कार जीता था और यह एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता का किरदार में रवि तेजा ने उन्होंने दूसरी बार नकदी स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया है। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिल और अम्माई के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथन के साथ फिर से काम किया था और असीम की सह अभिनेती फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट ही और दोस्तों आइडल ब्रेन के जीवा ने उनकी प्रशंसा की थी। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत, उनकी संवाद और अदायगी और लापरवाह बड़ी चैलेंज में निहित है। इसी वर्ष दोस्तों रवि तेजा ने डोगांडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कल्याणी द्वारा सह अभिनीति और श्रीनिवास भी नैनी और विद्य द्वारा निर्देशित सह अभिनीति आरती अग्रवाल और रवि राज पेनी सेठी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अव्याय चला और नाच नाम चुद्दू जैसी रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया था और आइडल ब्रेन ने लिखा कि उनकी कॉमेडी पहले भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतें और जिस तरह से वह पर्दापन के सामने खुद को कोसते हैं और वह प्रतिफुल्लित करने वाला है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित ना ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे, लेकिन दोस्तों अल्लोज को ने लिखा कि रवि तेजा ने एक निराश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। चाटी का निर्देशक और शुभन के लिए था, लेकिन दोस्तों 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और सरूल रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल थे। उन्होंने दोस्तों हरिशंकर द्वारा निर्देशित और रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शंख में भी काम किया था, लेकिन दोस्तों 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुड्डू के लिए निर्देशक एसएस राजमौली के साथ काम किया था। 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है और दोस्तों आइडल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। विक्रमाकुड्डू अभिनय के पहले पहलू में रवि तेजा को अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने दोस्तों अथाली सत्थी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदार का सामना करना सामान्य रूप से अच्छा निभाने के लिए जीता है, लेकिन दोस्तों उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही शानदार है और नतीजन रवि तेजा के खतरनाक 2006 और दुबई सिनु 2007 ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दोस्तों निर्देशक वैतला के साथ उनका तीसरा सहयोग था, लेकिन दोस्तों 2008 में रवि तेजा ने बीवी विनायक की तीन फिल्मों में अभिनय किया था। कृष्णा बदलापुर और निन्नेथे निन्नेथे में
निर्देशित पुरी के साथ अपना चौथा सहयोग शुरू किया था। हालांकि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन दोस्तों फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा की भूमिका को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2009 में रवि तेजा को एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ किया था। यह फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। लेकिन दोस्तों उसी वर्ष बाद में यह अजय नेंजुल्लू में दिखाई दी और 2010 में उनकी फिल्म शंभू में गोपीचंद मालिनी द्वारा निर्देशित डांस सीनू शामिल थी। 2011 में रवि तेजा की 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि उनकी पहली रिलीज हरिशंकर की मेरा पाक्के थी, जो कि दोस्तों बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की डोंगला और मुत्था रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों कथा स्क्रीन प्ले और दर्शक काव्य और अप्पा लाराजू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे दोस्तों वर्मा ने निर्देशित किया था और इसी वर्ष उनकी आखिरी रिलीज विरा थी। लेकिन दोस्तों बाद में इस फिल्म के बाद उनके सामूहिक एक्शन दृश्य के लिए उन्हें मास और महाराजा कहा जाने लगा था। 2012 में रवि तेजा ने गुन्ना शेखर की निप्पू और शिवा में दारुबू के साथ 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने दोस्तों फंतासी कॉमेडी देवुद्धु और चेसीना मानसुल्लु के लिए निर्देशक पुरी के साथ 5वीं बार सहयोग किया है। लेकिन दोस्तों बाद में यह परासुरम के और सारो चारु में दिखाई दिए थे। Rediff.com ने लिखा कि रवि तेजा एक अलग अवतार में है, लेकिन दोस्तों एक अधिक विनम्र अवतार में एक अभिक अभिनेता के लिए छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है। रवि तेजा इस बदलाव को काफ़ी अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में उन्होंने नवोदित निर्देशक के एस रविचंद्र के साथ पावर में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए उसके अभिनय के साथ ही साई राम शंकर की रोमियो में एक और कैमियो की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने किक के सीक्वल के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ फिर से काम किया है। लेकिन दोस्तों किक 2 और नंदा मोरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है। लेकिन दोस्तों भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बाद में दोस्तों उन्होंने पसंद नदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों फिल्म 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उस बॉस की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेता अनुपम खेर के साथ में अभिनेत्री नूपुर सेनन भी अपने महत्वपूर्ण मूवी जो कि न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। अनुपम खेर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। निर्देशक और निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई प्रमुख या समांतर भूमिकाओं से सहित कई तरह के किरदार निभाए हैं। उनकी प्रशंसा में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। लेकिन दोस्तों भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अनुपम खेर ने अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म संसारांश 1984 से की, जिसमें खेर की सफलता की भूमिका थी।
खैर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की है, लेकिन दोस्तों बुजुर्ग पिता चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। तब से दोस्तों उन्होंने कई अन्य सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कर्मा 1986 और तेजाब 1988 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में उन्होंने काफ़ी सराहना किया गया है। विजय के लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, लेकिन दोस्तों 1989 में राम लखन में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई है। उनका दिल जीता कॉमिक और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार और डैडी के लिए उन्होंने सार्वभौमिक का प्रशंसा मिली है। और दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के वर्षों में दोस्तों खैर के दिल 1990, सौदागर 1991, लम्हे 1991, हम आपके हैं कौन 1994, चाहत 1996, स्पेशल 26 2013 जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने दोस्तों भारत में पहले भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नाटक के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में किया कार्य किया है। अक्टूबर 2017 में खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संसदन और FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए उनकी नियुक्त विवादास्पद थी, लेकिन दोस्तों बात किया अनुपम खेर ने 1984 में अनुपम खेर ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म सरांश से की, जिसमें दोस्तों उन्होंने एक 65 वर्षीय स्वयं निकृतिक माध्यम में गृह शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों अपने बेटे को खो देते हैं और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर माध्यम में सफलता मिली है। हालांकि दोस्तों खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्होंने बुजुर्ग पिता के किरदार के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। खेर ने कहा है कि उनके कमर उम्र में ही आने वाला खो दिया है थे, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 1985 से 1988 तक वो कई अन्य परियोजनाओं में काम करते रहे, लेकिन दोस्तों वो सभी माध्यम रूप से सफल रही, लेकिन दोस्तों उन फिल्मों में उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि दोस्तों एन चंद्रा की एक्शन थ्रिलर तेजाब 1988 में श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसकी बेटी को उसके लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और जो दोस्तों उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने अनिल कपूर की सह कलाकार में माधुरी दीक्षित की काफ़ी सराहना की गई है, लेकिन दोस्तों बाद में 1988 में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त किया और विजय में भी उनके अभिनय की प्रशंसा की गई है, जिससे दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। 1989 में खेर के करियर में सुधार हुआ जब दोस्तों उन्होंने सुभाष गाय की थ्रिलर राम लखन और टेलीविजन में एक डैडी में उनके अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली है, जिसने दोस्तों उन्हें भट्ट के साथ फिर से जोड़ा गया था। पूर्व सह कलाकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और प्रेस रावल शामिल थे। और दोस्तों उन्होंने देवघर शास्त्री के सहायक किरदार में खेर को दिखाया गया था, जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी शादी की
आविष्कार करता है अपने बचपन के दोस्त के साथ, जो उसका प्रेमी भी है। और राम लखन दुनिया भर में 326 मिलियन यानी US$4.1 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। बाद में दोस्तों राम लखन दोनों ने खेर के कई पुरस्कार दिलाए और सर्वोत्कृष्ट के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मोशन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और कौशिक के साथ सजा प्राप्त किया है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में 1989 में अनुपम खेर ने 1986 की फंतासी फिल्म नगीना की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका नाम निगाहे नगीना भाग था, जो दोस्तों श्रीदेवी और अनिल सनी देओल के साथ सहकलाकार में उन्होंने गोरखनाथ नामक का एक सपेरे की भूमिका निभाई है। इसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो यह फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों 2023 की न्यू अपकमिंग मूवी में से एक बनकर आ रही है। बात की जाए दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रेणु देसाई, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कस्ट्यूम डिजाइनर और पूर्व मॉडल है। देसाई का जन्म एक मराठी भाषा के घर में हुआ था और उनका बेटा है, जिसका जन्म 2004 में तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण से हुआ है, जिनसे उन्होंने 28 जनवरी 2009 को शादी की और दंपति की 2010 में एक बेटी भी पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्मों में प्रवेश से पहले देसाई का एक मॉडल थी और शंकर महादेव की गीता थ्रेलेस की संगीत वीडियो में दिखाई दी थी। उन्होंने दोस्तों अपने भाभी और पति के साथ बद्री और जानी फिल्मों में अभिनय किया था। रेणु अपने गृहनगर लौट आई और अब मराठी फिल्मों में सक्रिय है। 2013 में वह मंगला सटक और वंश मारे के साथ निर्माता बनी और 2004 में इसके वाला लव के साथ निर्देशक बनी थी। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म में जिसुसेन गुप्ता, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव में आपको दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देखने को नजर आएंगे। जिसुसेन गुप्ता जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करते हैं, जिसमें से अभिनेता रवि तेजा की जोड़ी में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेंगे। यह एक भारतीय अभिनेता निर्माता टेलीविजन प्रस्तोता है जो दोस्तों मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों सेन गुप्ता ने बंगाली टीवी श्रृंखला महाप्रभु 1996 के माध्यम में अपनी शुरुआत की, जहां दोस्तों उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई है। इस भूमिका से उन्हें काफ़ी पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने प्रियोजान 1999 से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई और 2002 में उन्होंने देवाश्री राय के साथ शकुंतला राय में के महत्वाकांक्षी उद्यम और चेले बेला में टाइगर की भूमिका निभाई है। कंदाबरी देवी का किरदार निभा रही है, जिसके बाद वह कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने दोस्तों श्याम बेनेगल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोस्तों उन्होंने ऋतु पन्नो घोष के साथ
ओबोहमन के लिए काम किया था, जिससे दोस्तों उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसके बाद उन्होंने घोष के साथ फिल्म के लिए सहयोग किया, जिसमें शुभ और चरित्रो कल्पनिक और नौका डुब्बी शामिल है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने स्तर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, जबकि दोस्तों जतीश्वर जैसी फिल्मों के लिए अन्य निर्देशक के साथ जिसुसेन गुप्ता के सहयोग ने उन्हें बंगाली सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बनने का सक्षम बनाया था। वह जिसुसेन गुप्ता ने अनुराग बसु के निर्देशक में बनी फिल्म बर्फी में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे, जो दोस्तों जिसुसेन गुप्ता की श्री जित मुखर्जी के साथ उनकी संगीतम ड्रामा फिल्म जतीश्वर के लिए सहयोग किया था, जिसमें दोस्तों प्रोसन्नचित्त और चटर्जी की स्वतिकृता और मुखर्जी की सहकलाकारी थी, जो दोस्तों 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को समीक्षकों से व्यापक सकारात्मक समीक्षा मिली है। यह दोस्तों व्यावसायिक रूप से सफल रही और जिसुसेन गुप्ता ने रानी मुखर्जी की अभिनीति मर्दानी में सहायक किरदार निभाया है। 2015 में उन्होंने अजय दत्त की बायोम केस बख्शी की भूमिका निभाई, जो कि दोस्तों इसके बाद उन्होंने श्रीजीत मुखर्जी के साथ उनकी ड्रामा फिल्म राज कहानी के लिए सहयोग किया था। फिल्म रिलीज होने पर दोनों फिल्म को व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली और 2015 में उनकी अन्य रिलीज म्यूजिक ड्रामा फिल्म हसीनगर फ्लॉप हो गई थी। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और 2016 में उन्होंने बायोकॉमिक्स बॉक्सी और गुल्फिकार की अगली कड़ी में अभिनय किया था। पहला व्यावसायिक रूप से गंभीर रूप से सफल उद्यम था, लेकिन दोस्तों जबकि बाद वाला केवल व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम था। हालांकि दोस्तों उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने दोस्तों 2004 में 12वें कलाकार पुरस्कार में फिर अब्बार और 98 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूर्व फिल्म उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्मफेयर अवार्ड्स और ईस्ट 2017 नामांकन भी मिला है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बाद के लिए सहायक अभिनेता की श्रेणी में अब तक की उन्होंने विशेष प्रसाद मुखर्जी और नंदिता राय के निर्देशक में बनी फिल्म पोस्टो में अभिनय किया था। डायरेक्टर में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों यह काफी जबरदस्त मूवी है। तो दोस्तों फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव एक आगामी तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो दोस्तों वामसी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। फिल्म में अनुपम खेर, नूपुर सेनन, रेणु देसाई, जिसुसेन गुप्ता और गायत्री भद्राज और मुरली शर्मा के साथ रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। 1970 के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है, जो दोस्तों एस्टुअर्टपुरम में आतंक के दायरे पर हावी है, लेकिन दोस्तों साहसी और डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड भी है, जहां दोस्तों पुलिस को चकमा देने के उसके सरल तरीके स्थानीय दिवंगत दंती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर के रोमांचक और भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों रवि तेजा फिल्म में टाइगर नागेश्वर राव के रूप में दिखाई देंगे और वहीं दोस्तों अभिनेत्री नूपुर अनुपम खेर अभिनेता आईबी अधिकारी राघव राजेंद्र राजपूत के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि दोस्तों सारा के रूप में नूपुर सेनन और हेमलता लवन के रूप में रेणु देसाई अपना रोल निभाई है।
फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2022 को तेलंगाना के शमशाबाद के पास 5 एकड़ की जगह पर शुरू की गई है। फिल्मांकन हैदराबाद में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन दृश्य में घायल हो गए और दोस्तों चोट से उबरने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की थी। नूपुर सेनन और अनुपम खेर 2022 में फिल्मांकन में शामिल हुए और फिल्म टीम ने जुलाई 2023 को शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, लेकिन दोस्तों पहला एकल शीर्षक एकदम जो दोस्तों 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक बिद्दू 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और दोस्तों बात की जाए फिल्म टाइगर नागेश्वर राव जो कि दोस्तों यह मूवी काफ़ी जबरदस्त बनी है, जो दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ बनाई गई है और यह दोस्तों आपके सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली मूवी जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 में बनकर आ रही है, तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म में रवि तेजा जो कि है जो दोस्तों इनका अभिनय काफ़ी बेहतर बनी है, जो दोस्तों इनके अभिनय करियर की शुरुआत यानी बात की जाए तो दोस्तों जिन्होंने पेशावर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वह मास और महाराजा उपनाम से लोकप्रिय है। सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता में से एक तेजा ने 3 राज्य नदी पुरस्कार और 1 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है, लेकिन दोस्तों उन्होंने 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा शीर्षक 100 और मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था। तेजा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर्तव्यम 1990 में एक अज्ञात भूमिका के साथ की और फिर अल्लारी पीरियडो 1993, निन्ने पेलाडाटा 1996 जैसी फिल्मों में इसी तरह की छोटी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिंधुरम 1997 और मानसिची चद्दू 1998, प्रेमाकू और वेलाराया 1999, समुद्रम 1999, अनन्या सन 2000 में सहायक भूमिका निभाई है। दोस्तों कई फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है, लेकिन दोस्तों तेजा की पहली मुख्य भूमिका निकोसम 1999 में आई थी, जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की, लेकिन दोस्तों इसके लिए उन्होंने 90 स्पेशल जूरी पुरस्कार मिला है। उन्होंने दोस्तों इटलो श्री वाणी सुब्रमण्यम 2001 और अनुपु अबुनु और बल्ली दारू इस्ता पद्दारू के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। 2002 और इडियट 2002 के इसके बाद दोस्तों तेजा ने खडगाम 2002 में और अम्माना ओ तमिल अम्याई 2003 और व्यंकी 2004 और ऑटोग्राफ 2004, भद्रा 2005 और विक्रमाकुड्डू 2006 और दुबई सिनु 2007 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। कृष्णा 2008 और निन्ने थे 2008, किक 2009, शंभो शिव शंभो 2010 और डांस सिनु 2010, मेरा पाके 2011 और बल्लूपू 2013 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय किए हैं, लेकिन दोस्तों 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंदूरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुत्था और त्यागा, मानसिची और चद्दू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेलायराया फिल्मों में भूमिका निभाई है। 1999 में उन्होंने नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था।
फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म का सिल्वर नंदी पुरस्कार जीता था और रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नंदी पुरस्कार जीता था। इसके बाद दोस्तों वह कृष्ण वंशी की समुद्रम, चिरंजीवी की अनन्या और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे थे। वह दोस्तों छमंगा वेली और लडंगा रेडी, त्रिमाला, तिरुपति और वेंकटेश और शंकुतुब्बा, सपारी वारे और समेथम भी जैसी कई मल्टी स्टार फिल्मों में मुख्य भूमिका दिखाई दी है। 2001 में दोस्तों रवि तेजा का पूरी जगन्नाथन के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब दोस्तों उन्होंने रवि तेजा को इटलू श्री वाणी सुब्रमण्यम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही थी लेकिन दोस्तों एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा ने विश्वसनीयता मिली थी। 2002 में उनकी अगली फिल्म अबुन्नु और वल्ली दारू इस्ता पद्दारू वंशी द्वारा निर्देशित और कल्याणी की सह अभिनीति फिल्म रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सफल रही और रवि तेजा को प्रशंसा मिली लेकिन दोस्तों इस वर्ष रवि तेजा को इडियट्स में भी देखा गया था। पुरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और रक्षिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद अदायगी को अल्लूज को और फिल्म देखने वाले ने सम्मान रूप से प्रशंसा की है। इसी वर्ष दोस्तों कृष्णा वंशी की खड्गाम भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता और राष्ट्रीय एकता पर फिल्म के लिए सरोजनी देवी पुरस्कार जीता था और यह एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता का किरदार में रवि तेजा ने उन्होंने दूसरी बार नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया है। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिल और अम्माई के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथन के साथ फिर से काम किया था और असीम की सह अभिनेती फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और दोस्तों आइडल ब्रेन के जीवा ने उनकी प्रशंसा की थी। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी ताकत, उनकी संवाद और अदायगी और लापरवाह बॉडी चैलेंज में निहित है। इसी वर्ष दोस्तों रवि तेजा ने डोगांडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कल्याणी द्वारा सह अभिनीति और श्रीनिवास भी नैनी और विडे द्वारा निर्देशित सह अभिनेती आरती अग्रवाल और रवि राज पेनिसेटी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा को ई अव्याय चला और नाचो नाम चुद्दू जैसी रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया था और आइडल ब्रेन ने लिखा कि उनकी कॉमेडी पहली भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतें और जिस तरह से वह पर्दापन के सामने खुद को कोसते हैं और वह प्रतिफुल्लित करने वाला है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित ना ऑटोग्राफ में दिखाई दिए थे लेकिन दोस्तों अल्लोचको ने लिखा कि रवि तेजा ने एक निराश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। चाटी का निर्देशक और शुभन के लिए था लेकिन दोस्तों 2005 में रवि तेजा के काम में बायोपति श्रीनु द्वारा निर्देशित भद्रा और सरूल रसूल एलोर द्वारा निर्देशित भागीरथ शामिल थे। उन्होंने दोस्तों हरिशंकर द्वारा निर्देशित और रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्मित अपराध फिल्म शंक में भी काम किया था लेकिन दोस्तों 2006 में रवि तेजा ने विक्रमाकुड्डू के लिए निर्देशक SS राजमौली के साथ काम किया था। 25 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है और दोस्तों आइडल ब्रेन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। विक्रमाकुड्डू अभिनय के पहले
पहलू में रवि तेजा को अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। उन्होंने दोस्तों अथाली सत्थी बाबू और विक्रम राठौड़ के दोनों किरदार का सामना करना सामान रूप से अच्छा निभाने के लिए जीता है। लेकिन दोस्तों उसके प्रति उसका व्यवहार बहुत ही शानदार है और नतीजन रवि तेजा के खतरनाक 2006 और दुबई सिनू 2007 ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दोस्तों निर्देशक वैतला के साथ उनका तीसरा सहयोग था। लेकिन दोस्तों 2008 में रवि तेजा ने बीवी विनायक की 3 फिल्मों में अभिनय किया था। कृष्णा बदलापुर और निन्नीथे में निर्देशित पुरी के साथ अपना चौथा सहयोग शुरू किया था। हालांकि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन दोस्तों फिल्म में एक उभरते हुए निर्देशक के रूप में रवि तेजा की भूमिका को प्रशंसा मिली है। उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नदी पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों 2009 में रवि तेजा को एक्शन कॉमेडी किक के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ किया था। यह फिल्म 30 करोड़ से अधिक की कमाई करने के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। लेकिन दोस्तों उसी वर्ष बाद में यह अजय निजुल्लू में दिखाई दी और 2010 में उनकी फिल्म सब्बो में गोपीचंद मालिनी द्वारा निर्देशित डांस सीनू शामिल थी। 2011 में रवि तेजा की 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जो कि उनकी पहली रिलीज हरिशंकर की मेरा पाक्के थी, जो कि दोस्तों बाद में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की डोंगला और मुत्था रिलीज किया था। साथ ही दोस्तों कथा स्क्रीन प्ले और दर्शक काव्य और अप्पा लाराजू में खुद के बॉडी डबल के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे दोस्तों वर्मा ने निर्देशित किया था और इसी वर्ष उनकी आखिरी रिलीज विदा थी। लेकिन दोस्तों बाद में इस फिल्म के बाद उनके सामूहिक एक्शन दृश्य के लिए उन्हें मास और महाराजा कहा जाने लगा था। 2012 में रवि तेजा ने गुन्ना शेखर की निप्पू और शिवा में दारुबू के साथ 4 फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने दोस्तों फंतासी कॉमेडी देवबुद्धू और चेसीना मानसुल्लू के लिए निर्देशक पुरी के साथ 5वीं बार सहयोग किया है। लेकिन दोस्तों बाद में यह परासुरम के और सारो चारू में दिखाई दिए थे। Rediff.com ने लिखा कि रवि तेजा एक अलग अवतार में है, लेकिन दोस्तों एक अधिक विनम्र अवतार में एक अधिक अभिनेता के लिए छवि और भूमिका में बदलाव आवश्यक है। रवि तेजा इस बदलाव को काफी अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में उन्होंने नवोदित निर्देशक के एस रविचंद्र के साथ पावर में अभिनय किया था। लेकिन दोस्तों बात की जाए उसके अभिनय के साथ ही साई राम शंकर की रोमियो में एक और केमियो की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने की के सीक्वल के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ फिर से काम किया है। लेकिन दोस्तों किक 2 और नंदा मोरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है। लेकिन दोस्तों भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बाद में दोस्तों उन्होंने पसंद नदी द्वारा निर्देशित बंगाल टाइगर 2015 में मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों फिल्म 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। बात की जाए दोस्तों फिल्म सुपरस्टार अभिनेता रवि तेजा और अभिनेता अनुपम खेर के साथ में अभिनेत्री नूपुर सेनन भी अपने महत्वपूर्ण मूवी जो कि न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव में आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। अनुपम खेर जो कि दोस्तों एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों तेलुगु फिल्म में काम करते हैं। निर्देशक और निर्माता जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं,
भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कई प्रमुख या समांतर भूमिकाओं से सहित कई तरह के किरदार निभाए हैं। उनकी प्रशंसा में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2006 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था। अनुपम खेर ने अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म संसारांश 1984 से की, जिसमें खेर की सफलता की भूमिका थी। खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग पिता चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला है। तब से दोस्तों, उन्होंने कई अन्य सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कर्मा 1986 और तेजाब 1988 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में उन्होंने काफ़ी सराहना किया गया है। विजय के लिए उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। लेकिन दोस्तों, 1989 में राम लखन में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई है। उनका दिल जीता कॉमिक और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार और डैडी के लिए उन्होंने सार्वभौमिक का प्रशंसा मिली है। और दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के वर्षों में दोस्तों, खैर के दिल 1990, सौदागर 1991, लम्हे 1991, हम आपके हैं कौन 1994, चाहत 1996, स्पेशल 26 2013 जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने दोस्तों, भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड और राष्ट्रीय नाटक के विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य किया है। अक्टूबर 2017 में खेर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संसदन और FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए उनकी नियुक्ति विवादास्पद थी। लेकिन दोस्तों, बात किया अनुपम खेर ने 1984 में अनुपम खेर ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत महेश भट्ट द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म सारांश से की, जिसमें दोस्तों उन्होंने 65 वर्षीय स्वयं निकृतिक माध्यम में गृह शिक्षा की भूमिका निभाई है, जो दोस्तों अपने बेटे को खो देते हैं और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर माध्यम में सफलता मिली है। हालांकि दोस्तों, खेर के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और उन्होंने बुजुर्ग पिता के किरदार के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। खेर ने कहा है कि उनके कमर उम्र में ही आने वाला खो दिया है थे। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई है। 1985 से 1988 तक वो कई अन्य परियोजनाओं में काम करते रहे। लेकिन दोस्तों, वो सभी माध्यम रूप से सफल रही। लेकिन दोस्तों, उन फिल्मों में उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। हालांकि दोस्तों, एन चंद्रक की एक्शन थ्रिलर तेजाब 1988 में श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिसकी बेटी को उसके लिए पैसे कमाने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और जो दोस्तों उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसने अनिल कपूर की सह कलाकार में माधुरी दीक्षित की काफ़ी सराहना की गई है। लेकिन दोस्तों, बाद में 1988 में खराब प्रतिक्रिया प्राप्त किया और विजय में भी उनके अभिनय की प्रशंसा की गई है।
जिसे दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। 1989 में खेर के करियर में सुधार हुआ जब दोस्तों उन्होंने सुभाष घई की थ्रिलर राम लखन और टेलीविजन में एक डैडी में उनके अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली है, जिसने दोस्तों उन्हें भट्ट के साथ फिर से जोड़ा गया था। पूर्व सह कलाकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी और परेश रावल शामिल थे। और दोस्तों उन्होंने देवघर शास्त्री के सहायक किरदार में खेर को दिखाया गया था, जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपनी शादी की आविष्कार करता है, अपने बचपन के दोस्त के साथ जो उसका प्रेमी भी है, और राम लखन दुनिया भर में 326 मिलियन यानी US$4.1 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। बाद में दोस्तों राम लखन दोनों ने खेर के कई पुरस्कार दिलाए और सर्वपूर्व के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मोशन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और कौशिक के साथ सजा प्राप्त किया है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बाद में 1989 में अनुपम खेर ने 1986 की फंतासी फिल्म नगीना की अगली कड़ी में अभिनय किया था, जिसका नाम निगाहे नगीना भाग था, जो दोस्तों श्रीदेवी और अनिल सनी देओल के साथ सह कलाकार में उन्होंने गोरखनाथ नामक का एक सपेरे की भूमिका निभाई है। इसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो यह फिल्म टाइगर नागेश्वर राव, जो कि दोस्तों 2023 की न्यू अपकमिंग मूवी में से एक बनकर आ रही है। बात की जाए